हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ दही बड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं मेरे तरीके से कैसे बनाती हूं। तो देखिए, मैंने यहां ले लिया है उड़द की दाल और इसे 5 से 6 घंटे तक पानी में छोड़ देंगे फूलने के लिए। और ये 250 ग्राम लिया था मैंने, और ये देखिए ये फूल चुका है और इसकी क्वांटिटी है जो बढ़ गई है। अब इसे अच्छे से धो करके हम पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी दे करके पीसेंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे पीसने टाइम पे। ये देखिए इस तरीके का बना लेंगे पेस्ट। और मैंने यहाँ पे पीस लिया सभी को। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से फेंटेंगे, इस तरीके से फेंटेंगे। और हम जितना फेंटेंगे उतने अच्छे बड़े बन के तैयार होंगे, सॉफ्ट बनेंगे। और लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही फेंटना है। और यहाँ पे चेक करेंगे एक बाउल में पानी ले करके कि ये मिक्सचर रेडी हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए तैरने लगा है, तो ये रेडी हो चुका है मिक्सचर। अब इसे आधे घंटे तक और छोड़ देंगे ताकि और भी अच्छे से सेट हो जाए फूल करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधे घंटे हो चुके हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। और ये देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब डालेंगे तेल इसमें और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुकी है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे बड़े और इसे मीडियम और लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, नहीं तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसे मीडियम और लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। और जितना तेल में आएगा उतना बड़े डालेंगे। देखिए ये फूलने लगा है। अब इसे पलट लेंगे हम, और जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो तब तक इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे। और ये दही बड़े की रेसिपी है जो 2 या 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम निकाल लेंगे, बाकी के जो बड़े हैं इसी प्रकार से हम फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और ये देखिए मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। अब इसे गुनगुने पानी में हम सभी बड़े को डाल लेंगे, आधे घंटे तक छोड़ देंगे फूलने के लिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए। तो जब तक ये पानी में फूलता है तब तक हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ दही ले लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी, आपको जितना पतला गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब से डालिएगा पानी को और फेंट लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, काला नमक, थोड़े से सफ़ेद नमक डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। मसालों के लिए मैंने यहाँ पे जीरा और मिर्ची का पाउडर बनाया है। आप कैसा खाते हो मसाले वो डालिएगा। ये देखिए मैंने जीरा और मिर्ची का पाउडर बनाया था वो है। और फिर दही में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए ये आधे घंटे हो चुके हैं। अब बड़े को पानी से निचोड़ करके हम दही में डुबो देंगे। और ये देखिए मैंने सभी को दही में डुबो दिया है। अब इसे 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि अच्छे से दही बड़े में समा जाए। और ये देखिए ये हो चुका है रेडी। मैं इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए मैंने मसाले डाले हैं, ये वही मसाले हैं जो दही में डाले थे। और ऊपर से नमक डालेंगे। और ये देखिए रेडी हो चुका है दही बड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।